विपरीत हालातों में सरहद पर देशभक्ति की खातिर मर मिटने वाले इन वीर जवानों की मदद के लिए नीमच की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। मौका था सशस्त्र झंडा दिवस यानी 7 दिसंबर का। इसी नीमच ने 1857 की क्रांति में भी अपना अनमोल योगदान दिया था। यही वो सरजमी है जो CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जन्मस्थली है। यहाँ के लोगों की रगों में देश प्रेम दौड़ता है, देश की आन बान शान उनके कलेजे में धड़कती है। सशस्त्र झंडा दिवस पर कलेक्टर श्री दिनेश जैन की एक छोटी सी अपील पर सीमा पर तैनात सैनिकों और उनके परिवारों की मदद के लिए लाखों लाख हाथ आगे बढ़ गए और फिर देखते ही देखते महज एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि संग्रहित कर सैनिक कल्याण बोर्ड को सौंप दी। यह एक अनूठी मिसाल है। इस उपलक्ष में इतनी बड़ी धनराशि जमा करने वाला नीमच जिला संभवतः प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का पहला जिला है। इस बार हम लोगों ने नीमच के सभी संस्थाओं से, नागरिकों से अपील की और उनको ये बात बताई कि इस फंड से हमारे सेना के जो जवान हैं, जो वीरतापूर्ण तरीके से सीमा पर लड़ते हैं, उनके परिवारों की मदद इससे होती है। जो दिव्यांग हो जाते हैं उनकी मदद होती है। जब लोगों को इसके पीछे का कारण पता चला तो सभी नागरिक आगे आए और उन्होंने एक बड़ी राशि जो है जिले के से एकत्रित की है, जो कि हमारे सैनिकों के लिए समर्पित की जाएगी। कलेक्टर श्री दिनेश जैन की इस नेक दिली और संकल्प को जिले के लोगों ने हाथों हाथ लिया। 7 दिसंबर के दिन धन संग्रह के लिए कलेक्टर खुद अपनी पूरी टीम के साथ सड़कों पर उतरे। उनके साथ हर वर्ग, समाज और संस्थाओं के लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चे, NCC, पूर्व सैनिक, CRPF तथा सेना ने कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस मुहिम में अपनी सहभागिता दी। उनकी अगुवाई में उमड़े जन भावना के इस नायाब ज्वार से मनासा और जावद सहित जिले भर में 7 दिसंबर का दिन लहराते तिरंगे झंडों के साथ किसी राष्ट्रीय महापर्व में बदल गया था। ये सब हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उनकी वजह से और उनकी जो कार्यकारिणी है, उन्होंने बहुत सफल कार्यक्रम एक प्रस्तुत किया है और पूरे शहर के लिए ये एक बहुत गर्व की बात है कि हमने सैनिकों का दिवस इतनी धूमधाम से मनाया है। ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा हम लोगों ने 31,000 रुपये की राशि डोनेट की है और हमें बहुत गर्व है कि हम अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। मैं सीमा पे नहीं जा सकता, इसलिए मैंने मेरे सैनिकों के लिए, देशवासियों के लिए कुछ दान करा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। दरअसल जिला प्रशासन ने इसके लिए करीब 15 दिन पहले से ही जागरूकता अभियान शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया समेत अलग अलग समाजों और वर्गों की बैठकें आयोजित की गई, पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट डिटेल्स के साथ QR कोड भी लगाए गए। जागरूकता के इन्हीं बीजों ने नीमच की धरती पर सशस्त्र झंडा दिवस को अभूतपूर्व जन महोत्सव का रूप दे दिया। मेरे ख्याल से तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जिले से कंट्रीब्यूशन प्रदाय किया है इस वर्ष और एक तरीके से हम लोगों ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। मेरे ख्याल से अब हर साल प्रशासन पे एक दायित्व रहेगा, एक जिम्मेदारी रहेगी कि इसी प्रकार से फोर्सेस के लिए समस्त जिलेवासियों को के साथ चल के इस प्रकार से डोनेशन हम लोग करवाएँ। नीमच की जनता को प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिला प्रशासन की एक अपील पर यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ की संस्थाओं ने, यहाँ के सभी नागरिकों ने, लोगों ने जो एक सेना को सम्मान देने और उनके परिवारों को मदद करने का जो संकल्प लिया और उसको अपनाया, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। जनता के इस मान और जुनून को पूर्व सैनिक तथा सेना के जवानों ने न सिर्फ सराहा बल्कि इसे अपना असली सम्मान भी बताया। आज 7 दिसंबर फ्लैग डे के उपलक्ष्य पर नीमच के सिविल लोगों ने, NCC कैडेट ने और जनता ने जो उत्साह दिखाया है उसके लिए हम नमन और जय हिंद करते हैं। जय हिंद। ये जो जुलूस हम सड़कों पे निकला है यही हमारा सबसे बड़ा और महान सम्मान है। यह सब कलेक्टर नीमच की ही बदौलत ही हुआ है, उनकी प्लानिंग और उन लोगों ने जिस प्रकार से अपने विभाग और आम जनता को बेसिकली प्रोत्साहित किया है इस काम के लिए और जिस प्रकार से जनता ने उनका आह्वान को सुनकर के अपने खुले दिल से जो विषय के लिए अपनी तरफ से योगदान दिया है, इस प्रकार का पहले कभी नहीं हुआ है। दरअसल आम लोगों से एकत्रित यह धनराशि सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण पर सैनिक कल्याण बोर्ड खर्च करता है। दिव्यांग सैनिकों, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य या शादी के लिए यह खर्च की जाती है। हर पिता का
ये सपना होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं, उसके लिए कहीं से ब्याज से पैसे लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु जब जिला सैनिक कल्याण की ओर से सहायता मिल गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई और उसमें बहुत लाभ मिला। नीमच अपनी अटूट देश प्रेम के जज्बे, जुनून और सेवा कार्यों के लिए पहले भी कई कीर्तिमान रच चुका है, लेकिन इस बार सैनिकों के लिए इतनी बड़ी धनराशि संग्रहित कर फिर एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। हैट्स ऑफ नीमच।